वेलकम इन नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के खास शो दबंग खान शो में। अब दबंग खान शो में हम बात करते हैं बॉलीवुड के सुल्तान, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के बारे में। अब सलमान खान से जुड़ी जो भी अपडेट्स होती हैं हम इस खास शो के जरिए आप सभी तक पहुँचाते हैं। तो वहीं आज हम एक खास बात आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं और वो ये है कि सलमान के जिस तरह से दोस्ती के चर्चे होते हैं उसी तरह से उनकी दुश्मनी के भी चर्चे होते हैं। और जहां एक समय पर बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान के साथ उनकी दुश्मनी के खूब चर्चे हुआ करते थे, तो वहीं बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान ने सलमान को अपना नौकर बना लिया है। दरअसल बता दें कि सलमान खान जो इन दिनों टीवी रियलिटी शो 10 का दम में नजर आ रही हैं, इस दौरान सलमान ठेले पर शाहरुख खान को बिठाकर उस ठेले को धक्का देते हुए नजर आए हैं। और इस बात को लेकर शाहरुख खान ने तो कहा है कि उन्हें धक्के तो बहुत खाए हैं जिंदगी में लेकिन ऐसा धक्का कभी भी नहीं खाया। वेल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इन दो सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ऐसी ही तमाम बातों के बारे में जहां एक समय पर उनकी दुश्मनी के चर्चे हुआ करते थे वहीं आज उनकी दोस्ती बॉलीवुड में एक मिसाल कायम करती है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की और आपको कराते हैं सलमान और शाहरुख से रूबरू। अब जहां हम अक्सर ही बात करते रहते हैं बी टाउन में सितारों के रिश्तों के बारे में, अब वहीं सबसे पहले नाम आता है सलमान खान और शाहरुख खान का। जहां इनकी दोस्ती एक समय पर मिसाल दिया करती थी तो वहीं एक समय पर इनकी दुश्मनी के भी हर कभी चर्चे होने लगे थे। जहां पर होते थे शाहरुख वहां पर कभी सलमान को नहीं देखा गया। लेकिन आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरह से शाहरुख ने बना लिया है सलमान को अपना नौकर। दरअसल बता दें दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं यहाँ सलमान खान के शो 10 का दम के बारे में। इस शो में सलमान खान के साथ शाहरुख खान ने शिरकत की और सारी लाइमलाइट इन दोनों ही स्टार्स ने खूब जमकर लूटी। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां एक समय पर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे तो वहीं कैसे इन दोनों ने एक ही सेट पर स्क्रीन शेयर। तो वहीं बताना चाहेंगे आप सभी को कि छोटे पर्दे पर धमाल मचाने वाले शो 10 का दम के सेट पर सलमान और शाहरुख की जोड़ी देखने को गई और इसी दौरान सलमान ने शाहरुख को ठेले पर बिठाकर खूब धक्के लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस शो के दौरान जब शाहरुख खान की एंट्री होती है सीरियल में, उस समय पर शाहरुख ठेले पर बैठ जाते हैं और सलमान से धक्के लगवाते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों की फिल्म करण अर्जुन का गाना भी बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जिससे ये बात तो साफ है कि वाकई इन दोनों की जोड़ी करण अर्जुन की तरह ही है। तो वही साथ ही साथ बताना चाहेंगे आप सभी को कि शाहरुख सलमान से धक्के लगवाने के बाद ये भी कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में धक्के तो बहुत खाए हैं लेकिन इससे अच्छा धक्का कभी नहीं खाया। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों की पर्सनल बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। वेल साथ ही साथ बता दें बॉलीवुड के ये दोनों ही सुपरस्टार्स जब भी साथ में आए हैं दर्शकों के एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिला है। दरअसल इस दफा शाहरुख और सलमान 10 का दम के फिनाले में साथ में नजर आए। तो वही एक रिपोर्ट भी थी। तो वही कुछ समय पहले हमने आपको ये भी बताया था कि 10 का दम के फिनाले में शाहरुख और सलमान के साथ एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी नजर आएगी। वहीं जहां इन दिनों इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख को ठेले पर लिटाकर सेट पर ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब सलमान शाहरुख को ठेले पर लिटाकर ला रही हैं तब बैकग्राउंड में दोनों की फिल्म करण अर्जुन का गाना भी बजता हुआ सुनाई दे। मजेदार बात यह है कि सलमान जिस वक्त ठेले को धक्का लगा रहे होते हैं उस दौरान किंग खान तालियां बजाते हुए नजर आए। तो वही दोनों को एक साथ देखकर लोगों का मजा तो दोगुना ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वही बता दें कि शाहरुख खान ने ये भी कहा है कि सलमान के पिता सलीम की वजह से वो शाहरुख खान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक समय पर इनकी दुश्मनी के चर्चे हुआ करते थे, जहाँ ये कहा जाता था कि अगर सलमान किसी इवेंट में होते हैं तो वहां पर शाहरुख नहीं, तो वहीं जहां शाहरुख होते हैं वहां सलमान नहीं होते।
लेकिन इन दोनों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करते हुए एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ इस कदर बढ़ाया है कि अब ये एक दूसरे के शो के सेट पर भी नजर आते हैं। इतना ही नहीं, कई बार इन्हें अवार्ड फंक्शंस को साथ में होस्ट करते हुए भी देखा गया। तो वहीं शाहरुख खान ने सलमान के पिता सलीम को लेकर कहा कि जब वो स्ट्रगल थे उस समय पर सलीम खान ने खाना खिलाया करते थे और वो उनकी बहुत ही ज्यादा केयर भी किया करते थे। इसी के साथ शाहरुख खान ये भी कहते हैं कि अगर सलीम खान उन्हें जहां भी जाने के लिए कहेंगे वो बिना सवाल जवाब किए वहां से चले जाएंगे, जो सलीम खान कहेंगे वो वही करेंगे। इस बात से साफ है कि शाहरुख खान सलीम खान के शुक्रगुजार हैं और जिस समय पर सलीम साहब ने मदद की शाहरुख खान की, उस समय पर शायद ही किसी ने भी मदद की होगी, जिसके चलते आज शाहरुख ना सिर्फ सलमान को बल्कि उनके पिता सलीम को भी बेहद चाहते हैं। और इसी दौरान इन स्टार्स को अक्सर ही एक दूसरे के साथ देखा जाता है। तो वहीं इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जब ये स्टार एक दूसरे के साथ नजर आते हैं लोगों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिल जाता है। वहीं 10 का दम के सेट पर जब ये नजर आए हैं एक दूसरे के साथ तो वाकई लोग काफी उत्साहित हो गए कि क्या कुछ नया लाए हैं सलमान और शाहरुख। और नया तो आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह से सलमान चेहरे पर शाहरुख को बिठा कर उन्हें शो के सेट पर ला रहे हैं। इस बात से साफ नजर आती है इनकी दोस्ती, जिसकी मिसाल आज एक बार फिर से बॉलीवुड में दी जाती है। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बारे में। जहां सलमान खान इन दिनों फिल्म भारत की शूटिंग में व्यस्त है, वहीं इन दिनों वो रियलिटी शोज को भी जज कर रहे हैं। अब जहां अपना शो 10 का दम को लेकर वो सालों बाद एक बार फिर से छोटे पर्दे पर हाजिर हो चुके हैं, तो वहीं बता दें कि इन दिनों उनके दोस्त शाहरुख खान संग वो खूब कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं। अब जब से सोशल मीडिया पर उनके वीडियो सामने आई है तभी से उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं इस शो को देखने के लिए, क्योंकि जहां इस शो के दौरान जब सलमान ठेले पर शाहरुख को बिठाकर उससे धक्का दे रहे होते हैं, उसी दौरान इन दोनों की फिल्म करण अर्जुन का ये खूबसूरत सा गाना बज रहा होता है, अब जिससे मजा एक बार फिर से दोगुना हो चुका है। तो वहीं बात की जाए इसके अलावा तो बता दें शाहरुख खान जहां इन दिनों अपनी फिल्म जीरो को लेकर चर्चा में हैं, तो वहीं सलमान है फिल्म भारत को लेकर। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।